बैजनाथ बस स्टैंड पर लगाए गए हैंडपंप की मोटर पिछले 3 महीने से खराब चल रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां पर स्कूलों के बच्चे, आम जनता, स्थानीय दुकानदारों को भी पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि हैंडपंप में पानी ना चढ़ने से सभी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसको चालू नहीं किया जा रहा है। इस हैंडपंप की मोटर बार बार खराब हो जाती है। हिमाचल एक्सप्रेस प्रशासन से अपील करता है कि लोगों की समस्या को जल्द से जल्द दूर किया जाए। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए बैजनाथ से विजय कुमार की रिपोर्ट।